लगता है मेरा पापा गया। क्या तुम पागल हो गई है क्या? नहीं बकवास बंद करो जाके छोप। पापा आप अचानक से? सर बेटा मेरा मिलने का दिल था इसलिए मैं आ गया, और वो बाहर का गेट खुला हुआ है। सैम तो मीटिंग में है ना, वो उनकी तो डबल शिफ्ट लगती है इसलिए वो लेट आएंगे रात को। पापा आने से पहले एक बार कॉल कर देते। बेटा क्या मैं आ नहीं सकता क्या? पापा कैसी बात कर रहे हैं, आप ही का तो घर है, आपका जब मन करे आप तब आइए, लेकिन अगर आप मुझे कॉल करके बता देते तो मैं आपके लिए कुछ बना के रखती ना। कोई बात नहीं बेटा, वो तो बाद में मिल जाएगा। आप बैठिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटा मैं वॉशरूम होके आता हूँ, मेरे लिए कप चाय बना दो। ओके पापा। ठीक अरे बेटा आप कौन? अंकल मैं वो सैम का फ्रेंड। ठीक है बेटा आओ। पापा चाय। अरे भाभी जी आप नमस्ते। नमस्ते। आइए ना बैठिए ना। यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बेटा मैं एक कॉल सुन के आता हूँ। तेरा दिमाग खराब है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर मेरे बाप को पता चला ना कि तू थोड़ी देर पहले यहीं था तो तुझे और मुझे दोनों को खत्म कर देंगे एक साथ। यार मैं क्या करूं, मैं फोन यही भूल गया। तू पागल है क्या? तू अपना फोन कैसे भूल सकता है? छोड़ कहां भूला है फोन अपना? अंदर ही होगा यार। अब एक काम कर अंदर जा, वॉश जाके अपना फोन ले ले, और याद रखियो मेरे बाप को बनक नहीं पड़नी चाहिए। हाँ मैं वॉशरूम से आता हूँ। पर्स? ये किसका पर्स था? अरे सैम का तो नहीं है ये पर्स, तो उसी लड़के का जो बाहर बैठा है। मिल गया? हाँ मिल गया। थैंक गॉड। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ ना यहाँ से अब। हाँ बेटा। बेटा सैम से तो मिल के जाना। अरे नहीं नहीं अंकल मुझे लेट हो रहा है, कुछ काम है, और सैम पता नहीं कब तक आएगा, तो मैं चलता हूँ। हाँ पापा सैम को तो वैसे भी डबल शिफ्ट लगने वाली है ना, तो वो तो लेट ही हो जाएगा। तुम जा सकते हो। एक मिनट बेटा, बेटा ये पर्स किसका है? पता नहीं पापा, मुझे नहीं पता, शायद सैम का होगा। बेटा तुम्हें तो पता होगा किसका है। अरे नहीं नहीं अंकल मुझे कैसे पता होगा, मैं यहाँ थोड़ी रहता हूँ। सैम का होगा शायद, उसे ही पता होगा। हराम खोर, दोस्त हो क्या? दोस्त की पीठ में छुरा घोंपता है, शर्म नहीं आती? और तुझे तो शर्म आनी चाहिए। सैम तुझसे इतना प्यार करता है, कम से कम अपने परिवार के बारे में सोच लेती, अपने बच्चों के बारे में। और मुझे तो शर्म आती है तुझे बेटी कहते हुए भी। आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना, तेरा बाप तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गई। I'm sorry, पापा, मुझसे गलती। गलती की माफी होती है धोखे की नहीं, और तेरे जैसी औलाद ना हो तो ही भला है। पापा मेरी बात सुनिए। चुप। देख तेरे बाप को तो पता नहीं, सैम को बता देगा जाके। हमारा यही तो प्लान था कि तू सैम को डाइवोर्स देगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। Just shut up and get out from here. तू भी तो यही चाहती थी। निकला।